नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ऑली मन पे आपका स्वागत है। इसके पहले मैंने आपको एक दूध और नमक वाली रेमेडी दिखाई थी, उसमें मैंने आपको कॉटन दिखाए थे। आज मैं उन कॉटन को कैसे मैंने बनाया था वही बताऊंगी। तो आप लोग, सबसे पहले तो आपसे ये विनती है कि आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। और कॉटन के जो मैंने वो पैड्स गुलाब जल में भिगो के बनाए थे, उसको मैंने क्या किया था, ये सबसे पहले मैंने इसे, ये मैंने अमेजन से मंगवा लिया था और ये पूरा भरा हुआ था। तो इसको बनाने का फ़ायदा ये देखिए, ये इस तरह होता है। इसको बनाने का फ़ायदा ये रहता है कि अगर कभी जाड़े में या देर रात को कहीं से आप फंक्शन से आए हैं तो ये मेकअप रिमूवर का भी काम करता है। मैं तो मेकअप इसी से रिमूव करती हूँ। और ये मैंने इस तरह की डिब्बी ली है, छोटी सी, आप बड़ी डिब्बी भी ले सकते हो। इसको मैंने इसमें अच्छे से इसको सेट कर दिया। मेरे पास एक डिब्बी थी तो मैंने उसी में अच्छे से सेट कर लिया। और यकीन मानिए, ये बहुत ही काम करता है और बहुत ही अच्छा होता है। तो ये मैंने ये इसमें, ये देखिए, ऐसे रख दिया। और इसमें और कुछ नहीं मिलाना है। ये देखिए, रोज़ वाटर, ये मैंने गुलाबारी वाला डाबर का लिया है। आप चाहे तो किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ कि आप किसी प्रमोशन करिए, ना ही मैं आपको लिंक भेजूँगी। गुलाब जल तो आपके आसपास कहीं पे भी मिल जाता है। ये देखिए, मैं इसमें गुलाब जल मिला दूँगी, धीरे धीरे करके मिलाऊँगी ताकि अच्छे से पूरे जो कॉटन के पैड हैं भीग जाए। ये देखिए, मैं मिला रही हूँ। एक बार चेक कर लूँगी। अभी थोड़ा सा और डालना पड़ेगा क्योंकि गर्मी है ना, गर्मी में जो है ये सूख जल्दी सूख जाता है, इसलिए इसमें थोड़ा सा और मिलाएंगे हम। ये देखिए, ये हो गया। इस तरह ये आपका मेकअप रिमूवर, इंस्टेंट मेकअप रिमूवर तैयार हो गया। आप इसको कहीं सफ़र में भी ले जा सकती हैं। शादी में हमें अक्सर साबुन नहीं मिलता तो वहाँ पे ले जाके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखिए, मैं इसको इस तरह, ये देखिए, अभी अभी ताज़ा बनाया तो इसमें जो है ये निकल रहा है। आप इससे ऐसे करके मेकअप रिमूवर के तौर पर इस्तेमाल कर सकती हैं। और ये बहुत ही इफेक्टिव होता है क्योंकि गुलाब जल है और कोई भी चीज़ नुकसान करने वाली चीज़ नहीं। गुलाब जल तो हमारे चेहरे को स्मूथनिंग देता है और हाइड्रेट करता है। गुलाब जल के तो कितने भी गुण हैं, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। ये देखिए, इसकी महक ही इतनी अच्छी लगती है, मन करता है सूंघते रहे सूंघते रहे। तो दोस्तों, मैंने आज आपको कॉटन वाले पैड के मेकअप रिमूवर कैसे बनाए मैंने बता दिया। प्लीज़ आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट भी ज़रूर करिएगा। मैं बार बार इसलिए कहती हूँ ताकि आपको याद रहे कि आपको सब्सक्राइब भी करना है, यानी कि आप वीडियो देख डालें और सब्सक्राइब ना करें। तो इसी के साथ मेरा वीडियो समाप्त होता है और आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद और ढेर सारा प्यार।